ओके हाय रेडी। ये अब हम करेंगे 20 मार्क्स की पढ़ाई। अगर आपका 15 हुआ है तो आधे घंटे का ब्रेक लेना है। कैसे चल रहा है आपका? टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाओ। कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, मैं हूँ यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली हाउ टू गेट मार्क्स। ना तो ये वाला हमारा वीडियो है हाउ टू गेट 20 मार्क्स, राइट? और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ भाई, इसी में से आएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस एक तो बोर्ड एग्जाम का स्पेशल पेपर्स निकाल लिया और आपके टेक्स्ट बुक के निकाल लिए, जो पीछे क्वेश्चंस है बस यही है ना। तो आज में आपको भाई 80 में 70 मान लो, ठीक है ना। अब ये 20 में तो 20 मतलब मैं कह रहा हूँ कि 18 होगा, बहुत हुआ तो कम हुआ तो अब हम ये वाला वीडियो ना, पहले वाले जो वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा कर दिया था, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखो, एक वीडियो करिए फिर कम से कम 15 मिनट आधे घंटे ब्रेक कर लो, है ना, ठीक है। वैसे भी जब मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये जब मैं टॉपिक पे आपको स्पीक भी तो कर रहा हूँ, राइट, सिर्फ क्वेश्चन दिखा के नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप उसका स्क्रीनशॉट मार दो बाद में, कब बात कर दो, एग्जाम में हो जाएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से होगा। बस इतना ही पढ़ो। कुछ स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं, मैं देख रहा हूँ दो दिन से वो सारे चैनल्स में घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे बाकी स्टूडेंट बता रहे हैं अरे वो वहाँ 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 वहाँ। कुछ मत करो भाई, एनर्जी वेस्ट ना करो, एंजॉय करो, बोल चेल आउट, बाहर गाओ, घूमो घूमो, जो नॉर्मली करना है एंजॉय करो, यू नो, बट बीच बीच में वीडियो देखो, आधे घंटे में वीडियो देखो, है ना। बज रहे 8, अगले 2 घंटे पे आधे घंटे में वीडियो देखो, जो नहीं आता उसको उसी वक्त कर लो, जाओ पानी वानी पी लो, ब्रेक ले लो, आराम करो, रिलैक्स करो, एंजॉय करो, मोबाइल देखो मत, गाने सुनो, गाने सुनो, एंजॉय करो, आंखों का स्ट्रेस मत लो, आपको कल आराम देना है, राइट। कल हमारा टारगेट है 80 मार्क्स में 80 डालना, टारगेट है और वो पॉसिबल है। लोग गलतियां करते हैं, मैं बताऊं तो राज की बात, लोग गलतियां करते हैं इसीलिए उनको साइकोलॉजी में 60-70 मिलता है। मैंने ये मतलब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ ना, आई बिकम अ टीचर, खेल रहा हूँ एज अ टीचर कॉलेजेस में, तो वहाँ देखो कि लोग मतलब 80 ला रहे होते हैं और अचानक से जैसे वो तो इंडियन क्रिकेट टीम खेलती रहती है, कोई आउट हो गया तो वैसा वाला कॉन्फिडेंस का गेम में पूरा। और लास्ट डे गूगल सर्चिंग नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती, वो टॉपर नहीं किया था, 99 लाई थी, वो 100 मिल गया था उसको, उसने बताया था मुझे सर मैंने ध्यान में मैंने गलती करी, मैंने रिलायबल सेंस पढ़ लिया, गूगल देखा तो वो किया था उसने, कुछ नहीं, आप जो कर रहे हो बहुत कर चुके हो। अब कुछ आप मैंने कहा था कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं, चैप्टर 5 को हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी 5 नंबर कटेंगे, ठीक है, 70 बल्ले बल्ले है ना, किसी को 100 चाहिए, 80 में 80 चाहिए, बता दो, उसका अलग स्ट्रेटजी रहेगा। ये वीडियो में ज़्यादा उनके लिए बता रहा हूँ जो मतलब 80 में 60-70 मतलब टोटल मार्क्स 90 चाहिए, है ना, हमारी कोशिश वही है, राइट। और अगर एक एक क्वेश्चन करना है अभी भी आपको 80 में 80 मिल सकता है, क्लियर? यस, शांति से जो बता रहा हूँ वो करते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वो देख लो, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 1D, 1D में हम 5 नंबर और ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन से देख लो नियरली कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, राइट, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, फाइन। तो ये 1, 2, 3, 4 हो गया, ये 5, देखते जाओ उसके क्वेश्चन को, चलो एनलार्ज कर देते हैं, राइट। वाइट, व्हाट इज माइंडफुलनेस, व्हाट इज माइंडफुलनेस, सिंपल है, माइंडफुलनेस इज अलर्ट अबाउट बीइंग हियर एंड नाउ, बीइंग अबाउट अलर्ट अबाउट योर प्रेजेंट कंडीशंस, ऐसा कुछ लिखोगे तो एक मार्क एक लाइन में लिखना है आपको। पॉजिटिव साइकोलॉजी के पापा कौन है, पापा कौन है, कौन है, कौन है, मार्टिन सेलिगमैन, ब्रॉडमिल थेरी कौन है भाई, इजी है ना, बिल्कुल इजी है, करिए करिए, बड़ा लिसनिंग नॉन जजमेंटली, लिसनिंग जजमेंटली मींस व्हाइल लिसनिंग वी शुड नॉट मेक एनी जजमेंट एंड जस्ट लिसन विदाउट एनी बायस्ड, ऐसा कुछ लिख लो बस, वो स्पेसिफिक कोई टेक्निकल आंसर आपसे नहीं पूछेंगे, है ना, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एम क्या था इंस्टीट्यूट चार्ट का, ये आपने पढ़ा नहीं हुआ तो पढ़ लो, एम क्या था इंस्टीट्यूट का, एम था टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर जो लोग हम लोग के की तरह शिकार है ना इंटरनेट के एडिक्शन का, उनको उनके लिए बनाया हुआ है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, नाम ये ना सर्विसेज फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टू मेक द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेटर, नहीं उनके लिए जो इसके शिकार हो चुके हैं, ये मैं दिखा देता हूँ मैं आपको, उनको हेल्प करने के लिए शर्ट है ना, ये यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ आपको शर्ट, ये कहाँ गया,
मैं 7-8 पे पहुँच लेंगे। माइंडफुलनेस होना चाहिए मुझे, माइंडफुलनेस नहीं है मेरा क्या? हाँ यार बड़े लगातार भी बनाओ, कल आपकी एग्जाम है, आज मेहनत में करो। डील विथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज, उनसे डील करने के स्पेसिफिक वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं क्या स्पेसिफिक वर्ड यूज करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ओके मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने रॉन्ग नहीं लिखा हो तो। एंग्जाइटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, याद है? याद है, लेट्स गो टू एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में चलते हैं, ये चैप्टर 5 को मैंने भली कहा हूँ छोड़ दो, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन उसके जरूर कर लेना भाई। तो क्या होता है ना कि वो चीज़ आपको हमेशा काम आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमको है राइट, इंटेलिजेंस के टेस्ट के एप्लीकेशन में वोकेशनल गाइडेंस है, ये कहाँ चले गए हैं? एंग्जाइटी और सैंडी को चले गए। हाँ और अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अब नेटवर्क पे जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं भाई। इसमें है आई थिंक इसमें है या नहीं, एंग्जाइटी वाली चीज इमोशनल मीनिंग तो दिया हुआ है इसमें राइट, इमोशनल क्योंकि ये क्वेश्चंस छोटे मोटे आते हैं, मैनेजिंग इमोशंस की बात चल रही है, एंगर मैनेजमेंट की बात चल रही है राइट। कहाँ चला क्वेश्चन, एंग्जाइटी वर्ड कहाँ से आया है? ओके देखते हैं Why am I not anger management? अरे हाँ इसमें मैं भी कैसे इतने देर इतना डूबा हुआ हूँ कि मैं खुद ही ढूंढ पा रहा हूँ। देखो एंग्जाइटी डिसऑर्डर बना है, एंग्जाइटस अनइजी और ट्रबल माइंड राइट, ओके एंग्जाइटस अनइजी और ट्रबल माइंड ये बना ठीक है सॉरी, तो अनइजी और ट्रबल माइंड फाइन। व्हाट डू यू कॉल द फियर, क्वेश्चन 7 ये है, क्वेश्चन 8 कर देते हैं। फियर यू एक्सपीरियंस इन अननेसेसरी इन अ नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन, फोबिया, फोबिया क्या है? इरेशनल इलॉजिकल, कौन से डिसऑर्डर में ऑल्टरनेट फेस होता है, कौन सा होता है? बाइपोलर है ना राइट, ये करिए जल्दी से। PTSD फर्स्ट स्टेज क्या है उसका, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ अभी। PTSD में 4 स्टेज है, कौन सा होता है याद है वो? वो 4 स्टेजेस सजेस्टिबल, याद है आप? सजेस्टिबल पहले तो वो होता है एकदम शॉक, फिर होता है सजेस्टिबल, सजेशन देता है, फिर वो रिकवरी फेज पर है ना, याद है? तो मुझे पढ़ाई भी कर रहे हैं इसमें। फेरेन सीजोफ्रेन, सीजो मतलब सीजर, फेरेन मतलब ब्रेन, फॉरेन नहीं है वो, फेरेन है ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप थिंकिंग का क्या है, फर्स्ट स्टेप थिंकिंग का मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, लास्ट स्टेप क्या है थिंकिंग का वेरिफिकेशन है, हम सही जा रहे हैं ना। एनिमल टू जो क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हम क्वेश्चन नहीं करें भी इसलिए उसमें नहीं है, कुछ तो कहते हैं लेकिन नहीं है। इमोशन इमोटिव है ना, इमोटिव याद है आपको, इमोशन ये वाला क्वेश्चन ये भी लिखा देते हैं आपको। चलो हाँ कहाँ गया, इसमें भी दिया हुआ है लंबी कहानी दी हुई है, इमोशनल वेलबींग की कहानी दी हुई है। इमोशंस में जो मैंने बताया मेन मेन टॉपिक्स कर लो, सब कुछ करने जाओगे तो वो स्पेशली लास्ट जो पेज तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, करना तो है ही, ये नहीं कि नहीं करेंगे, बट वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ गया वो वर्ड था ना,
जिन्होंने वो हिस्ट्री दिया हुआ है, ये कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ मेंशन है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसको शुरू में मेंशन किया है नहीं किया है। सिक्स हाँ, हैप्पीनेस का प्राइस वो हमेशा वो आया था, वो क्या कहते हैं पावरफुल इमोशन एंगर, ठीक है, फियर, तो फियर इज फ्लाइट इन फ्लाइट, ये आया था ना वो क्वेश्चन जो ये मैच द फॉलोइंग वाला, ये वो है, ठीक है, वो भी याद आ गया मुझे, ये भी कर रहे हैं काम या इमोट, वो क्वेश्चन था ना यहाँ पे, वो वर्ड था कहाँ चला गया, हो एम आई मिसिंग इट, यस मैनेजिंग इमोशंस एंगर मैनेजमेंट, गौतम बुद्ध ने कहा था कि होल्डिंग एंगर इज लाइक अ हॉट कोल, जो अगर किसी को भेजते हो तो आप खुद जल जाते हो, है ना, क्योंकि हॉट है वो कोल, व्हाई एम आई मिसिंग इट, इमोशन कहाँ चला गया, ठीक है, आई विल नॉट टेक मच टाइम, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको वापस करके इन इमोवर नीचे नेक्स्ट लाइन तो दिया हुआ है इमोवर, वो तो मैं कह रहा था, देखो आई एम सो स्टूपिड, कितना स्ट्रेस मैं ले रहा हूँ, टेंशन मुझे हो रही है, एग्जाम आपकी है, मेरी ट्वेल्थ हो चुकी है भाई, हाँ व्हील चेयर, अरे प्लूचिक प्लूटो से चिक आई थी ना प्लूचिक, हाँ अलग अलग कलर से होते हैं प्लूटो में, कोडेड इंटरनल सेंसेशन, व्हाट इज कोडेड इंटरनल सेंसेशन, ये क्वेश्चन मतलब मजा वाला क्वेश्चन, ये वो चीज है, ये आपको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दो, असाइनमेंट मीनिंग टू सेंसेशन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी अभी कराया था मैंने सेकंड वीडियो में, अगर आपने नहीं किया तो मुझे दोनों चीज दीजिए, चलो फटाफट, अच्छा लैटिन वर्ड पर्सनैलिटी कौन सा है, पर्सोना, फिर ये थीमेटिक कौन किया भाई, मर्रे एंड वोना, और अनकॉन्शियस वाला बता चुका हूँ, ये तो इतना मैं बता चुका हूँ तो याद रहना चाहिए, लैब याद है ना 1869 में गांधी बताओ भाई 18 उसके 20 साल बाद 1889 में मुझे बताओ, मुझे ये याद है बीच में 1879 में सेकेंडरी लैब, मुझे ऐसे मैंने लिंक कर लिया है ना, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है, वो कौन है कौन है कौन है, जेम्स विलियम जेम्स, फर्स्ट उन्होंने कोर्स शुरू किया था ना अमेरिका में, एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी इज द लाइक द बॉस डॉन ऑफ द वर्ल्ड नो एक्सपेरिमेंटल पार्टिसिपेंट, याद है ना हु कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट और हु ऑन हुम द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, रैशनल बिलीव एलिस एल्बर्ट, याद है साइन टिया, दोनों क्वेश्चन यहीं पे आ गए ताकि आपको याद रहे, एंग्जाइटी एंग्जाइटस वापस आ गया है ना, ग्रीफ होता है बहुत देर तक लॉन्ग पीरियड, तो क्या है सैडनेस ग्रीफ डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, नॉन थ्रेटनिंग सिचुएशन हम वापस कह चुके हैं हमसे, ये आ चुका है राइट, हम ये रिपीट नहीं करेंगे, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब फाइनल फ्रस्ट्रेशंस एक्सपेरिमेंटल, ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे, मैं भी सोचा था ये ज़्यादा दिक्कत है मुझे, ठीक है ओके, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों लोग कन्फ्यूज रहते हैं, बिनेट है और कैटल एंड हॉर्न, तो ये फ्लूड जो गाय खाती कैटल एंड हॉर्न, तो वो खाती है सूखा और गीला गीला, तो इसीलिए वो सूखा फ्लूड और गीला गीला इज क्रिस्टलाइज, ऐसे याद रखा है मैंने, ये भी एक नया तरीका याद करने का। वर्बल टेस्ट क्या होता है, जिसमें वर्ड्स होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है, जो इंडिविजुअल के लिए होता है कंडक्ट, और ये हो गए आपके 20 नंबर पूरे, गो एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स, टेन कम बैक, बाय।